6 गीगाहर्ट्ज बैंड को लेकर भारत की दूरसंचार कंपनियां और टेक कंपनी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, क्वालकॉम, इंटेल और ब्रॉडकॉम के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, जहां टेलीकॉम कंपनियां 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में 5G सर्विसेज को लॉन्च करने पर विचार कर रही है। वहीं टेलीकॉम कंपनियां इस बैंड में हाई इंटरनेट सर्विसेज देना चाहती है। आपको बता दें कि 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड से 10 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड की प्राप्ति होती है। भारत में अभी वायरलेस ब्रॉडबैंड स्पीड मैक्सिमम 100 Mbps होती है और 1 Gbps का मतलब करीब 1000 Mbps होता है। इसलिए 6 गीगाहर्ट्ज बराबर वर्तमान समय से 100 गुना ज्यादा इंटरनेट स्पीड। इसी कारण भारत के टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को काफी उपयोगी मानती है। अमेरिका में नॉन टेलीकॉम कंपनी इंटरनेट देने के लिए इस बैंड का उपयोग करती है, जैसे कि वाईफाई 6। अगर नॉन टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये स्पेक्ट्रम उपलब्ध करा दिया जाता है तो ये टेक कंपनियां भी अल्ट्रा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड दे सकती हैं, परंतु भारत के टेक कंपनियों के लिए इसकी लाइसेंसिंग नहीं है। टेक कंपनियां आर्ग्यू कर रही हैं कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड सभी के लिए खुला होना चाहिए, जहां टेलीकॉम कंपनियों के लिए लाइसेंसिंग फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस इस बैंड के लिए लिए जाएंगे। वहीं टेक मेजर्स जैसे कि गूगल, फेसबुक के लिए ऐसी कोई नियम नहीं है, जो कि एक अनुचित लाभ होगा। हाल ही में कुछ टेक कंपनियों ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को डी लाइसेंस करने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि अगर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के उपयोग से टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 5G सर्विसेज लॉन्च किया जाता है तो इस 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की मदद से भारतीय टेलीकॉम कंपनियां हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, वाईफाई कॉलिंग और हमें कई सिमलेस एक्सपीरियंस दे सकती हैं। जहां टेलीकॉम कंपनियां एक तरफ ये कहती हैं कि 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों के लिए ही उपलब्ध होना चाहिए, वहीं टेक कंपनियां भी इस बैंड के टी लाइसेंसिंग की मांग कर रही हैं, ताकि यह खुले तरीके से टेक कंपनियों के लिए भी उपलब्ध हो सके। आपको बता दें कि इस 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मोबाइल टावर्स को लिंक करने में भी किया जाता है। बता दें कि टेक कंपनी और टेलीकॉम कंपनियों के बीच और 2 स्पेक्ट्रम बैंड्स ई और वी बैंड्स को लेकर भी लड़ाई चल रही है। ई और वी बैंड्स का उपयोग भी टेलीकॉम कंपनियां 5G के लिए करना चाहती है। इसकी लाइसेंसिंग सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों के लिए है, इसलिए टेक कंपनियां भी इसके डिलाइसेंसिंग की अनुरोध कर रही है। टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि ई और वी बैंड्स की भी नीलामी हो, ताकि इसका उपयोग टेलीकॉम कंपनी अपने मोबाइल टावर्स को लिंक करने और 5G सर्विसेज के रोल आउट में उपयोग कर सके। बहरहाल भारत के टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया भारत सरकार से 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी चाहती है। 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के उपयोग से करीब 10 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड की प्राप्ति होती है। इसी कारणवश टेलीकॉम कंपनियां अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी चाहती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।